तो आज मैं एक ऐसे प्लेयर को ट्रैप करने वाला हूँ जिसको आज तक कोई ट्रैप नहीं कर पाया, और जिसने भी आज तक ट्रैप करने की कोशिश की उसने कभी वीडियो नहीं डाली क्योंकि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कौन है ऐसा प्लेयर जिसको आज तक कोई ट्रैप नहीं कर पाया? वो प्लेयर है PSG1। पास्ट में जितनी बार भी PSG1 ट्रैप हुए उन्होंने हर एक ट्रैप को स्केप किया है, और मैक्सिमम ट्रैप को स्केप करने में मैंने ही उनकी हेल्प की है, बट आज मैं ही उनको ट्रैप करने वाला हूँ। बट देखो, PSG1 ने बहुत सारे ट्रैप को स्केप किया है, तो फिर आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रैप बनाना सिखाऊंगा जिसमें आप डेडलीस्ट से डेडलीस्ट प्लेयर को इजिली मार सकते हो। पहले तो स्वाद अनुसार गड्ढा कर ले जितना आपको चाहिए, फिर इसमें फैंस का तड़का लगाना ना भूले, नहीं तो आपका डेडलीस्ट प्लेयर ब्लॉक क्लच कर लेगा। अभी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे डिस्पेंसर और उसके अंदर रखेंगे इंस्टेंट डैमेज के पोर्शन, फिर इसमें थोड़ा सा रेडस्टोन का दिमाग लगा के ऑटोमेटिक कर देंगे। उसके नीचे लगाएंगे हम लोग हनी ब्लॉक ताकि इंस्टेंट डैमेज के टाइम पर बंदा जंप ना कर पाए और वो बंदा नीचे तोड़ के ना निकल जाए। इसके लिए हम लोग ट्रैप डोर भी लगाएंगे और उन ट्रैप डोर को हिलाते रहेंगे ताकि उन ट्रैप डोर को भी ना तोड़ दे। नीचे और अरे नहीं भाई, ये तो बड़ा ही बेकार था। मतलब ओके, तो अभी बारी है हमारी ट्रैप को टेस्ट करने की। बना नहीं भाई, तो अपना ट्रैप में तो भूखाला हो चुका था, पर तभी बीसी में आते हैं हमारे गेम बीट भाई। हेलो लेपिस भाई, और वो मुझे कुछ ऐसा बोलते हैं, उसे सुनने के बाद मन करता है कि मैं गेम बीट का गला ही दबा दूं। तो एक ड्रिपस्टोन से भी तो काम हो जाएगा भाई। उस टाइम में मैंने एक ही चीज अच्छी की जो कि थी इंस्टेंट डैमेज के पोशन, क्योंकि नीचे गिरने का बाय चांस एक दो हार्ट रह भी गए तो उससे डैमेज पड़ेगा, खत्म हो जाएंगे। पर वो पोशन बनाने के लिए मेरे को ड्रैगन की ब्रेथ चाहिए, और ब्रेथ के लिए खास टियर। ओके, तो अपनी ब्रेथ हो चुकी है कलेक्ट, ये सेकंड लास्ट क्रिस्टल, ये लास्ट क्रिस्टल, और ये मरा ड्रैगन। अभी तो जस्ट मैंने PSG1 को ट्रैप करने का सोचा है, उतने में इनके दोनों चमचे आ भी गए। पर इन लोगों को चाहिए का एक बार पूछ लेते हैं। इसी लैपिस भाई, भाई इन लोगों का क्या है? एक सेकंड। हेलो लैपिस भाई। अबे भाई रुक जा भाई, ये तो बता क्यों ट्रैप किया है? हेलो, हमें लैपिस है बेडरॉक चाहिए आप। यस बेडरॉक, जिन लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि मेरे को लापता SMP में बेडरॉक कैसे मिला, और मेरे पास सिर्फ वो एक ही बेडरॉक है, तो मैं देना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, और अगर नहीं दिया तो ये लोग मुझे बैन कर देंगे। लगता है कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास भाई। मेरा ना बेडरॉक जो है वो सल्कर के अंदर है। आपका बेडरॉक सल्कर के अंदर है? तो क्राफ्टिंग टेबल क्यों लगा रहे हो? गेम बंद करो, मोड़ लगा के आओ, जाओ। ये क्या है, ये क्या है बदतमीजी? ए लेपिस भाई, चलो भाई 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 निकलो भाई। कहीं आप लोग को ये तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से बच के निकल चुका हूँ? मेरी इन्वेंटरी में एक भी पल नहीं है। लैपिस भाई कहाँ भाग के जाओगी? अबे भाई हेलो, माइनिंग करने जा रहे हो क्या? अरे बोरे ना, बोरे देख नीचे है। वेट 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 वेट, मुझे नेम टैग दिख रहा है यहाँ से। गॉड ऑफ चीटिंग, अरे कहाँ जाओगे लैपिस भाई? द गॉड ऑफ चीटिंग, अरे हाँ ए चीटर साले। एक तो यार मेरे पिकैक्स में ये नहीं है जो भी कहते हैं फटीक फटीक। क्या हाँ व्हाट एंड क्रिस्टल साले, दोनों साथ में नहीं आए भाई, दोनों साथ में आते ना दोनों खत्म हो जाते भाई। एंड क्रिस्टल सही में DOP के मरने का जिसकी भी DOP पे ध्यान देता है, और उसके बाद में बच के निकल जाता हूँ। और अभी बारी है उस ट्रैप को बिल्ड करने की, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम वो ड्रिपस्टोन का ट्रैप बनाएंगे किधर, क्योंकि PSG1 से हर जगह तो आ नहीं जाएंगे। तो मेरा ये घर टूट गया था, तो फिर मैंने एक पहाड़ के अंदर खोद के घर बनाया हूँ नया वाला। ये क्या? यस, तो इधर दबाना है तो नॉर्मली ये खुलता है, बट आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा जमीन खिसके और नीचे ड्रिपस्टोन में गिर जाए। आइडिया तो अच्छा है, बट कॉपी इसके लिए पूरा फ्लोर हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दो ब्लॉक से भी काम हो जाएगा। उसके बाद में उस स्टोर को एक ट्रैप में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिपीटर कैसे काम करता है। फटाफट से ट्रैप को कंप्लीट करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ अपना लापता का बेस। कितने दिन हो गए आप बनाया बेस? तुमने कहाँ पे हो? हाँ बनाया था भाई, इधर फोड़ दिया किसी ने आके, ये देखो कितना मस्त बनाया था। ये रहा यो, आज नया बनाया हूँ मैं। तो PSG भाई वेलकम टू माय बेस, आप करो इसका उद्घाटन। केले कॉपी भाई क्या है? मजा कर रहा था PSG भाई। भाई कोई भाई समझ गया भाई मैं।
हेलो कॉफी भाई, कैसे बच गए? क्या पता भाई, मरे ही नहीं, अंदर तो गए थे इधर से मस्त। मतलब नीचे गिरे थे पर उसके बाद मरे नहीं क्या? अरे भाई गिरे थे भाई। रेट यार, मेरा ये प्लान तो बहुत बुरी तरह फेल हो गया। अभी मेरा काम ये छोटे मोटे प्लान से नहीं होगा, अभी जरूरत है मुझे एक मास्टर प्लान की। तो देखो, इस बार हम लोगों ने PSGI को ड्रिपस्टोन के ऊपर गिराया था, तो PSGI बचे ना। और अगर ड्रिपस्टोन PSGI के ऊपर गिरेगा तो वो कैसे बचेंगे फिर? एक बड़े ग्राउंड में PSGI के ऊपर इस ड्रिपस्टोन के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही कोई 0.00001%। बट अगर यहीं पर मैं इस एक की जगह पर 10,000 ड्रिपस्टोन लगाता हूँ तो PSGI का यहाँ पे मरना 100% कन्फर्म है ना। यस, अभी हम लोग लाएंगे 10,000 ड्रिपस्टोन, वो भी लापता के स्पॉन पर। बट उससे पहले हमें 10,000 ड्रिपस्टोन कलेक्ट भी तो करने पड़ेंगे। ओके, तो हमारे 10,000 ड्रिपस्टोन तो कलेक्ट हो चुके हैं और अभी बारी है उस ट्रैप को बिल्ड करने की। तो देखो, मैं नहीं चाहता कि PSGI गलती से भी बचे कैसे भी करके, ठीक है? अगर मान लो PSGI आए और यहाँ पर नीचे निकल लिए, इसके नीचे आ गए और उनके ऊपर ड्रिपस्टोन गिराई नहीं, तो पोपट हो जाएगा ना अपने साथ। तो हम लोग इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, जो कि अपने सर पर छत बनाए। इन पेड़ों को काटो, इनकी कोई जरूरत नहीं अभी। ब्रो, मैं उन ड्रिपस्टोन को गिराऊंगा कैसे? अभी ये तो सोचा ही नहीं मैंने। अगर मैंने यहाँ ड्रिपस्टोन लगाया तो मुझे इसे गिराने के लिए इस ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा ताकि ये नीचे गिरे। तो अगर मैंने यहाँ पर पूरे में 1,000 ब्लॉक प्लेस करे तो 1,000 ब्लॉक को एक साथ कैसे तोड़ूंगा? और इस वाले ब्लॉक को अगर मैं पिस्टन से खिसकाऊं, अगर ये गिर गया तो मेरे पास एक जुगाड़ है। यस यस, गिर गया। ये मानो गाइस, इन सबके नीचे पॉइंटेड ड्रिपस्टोन लगे हुए हैं, ठीक है? और अभी मैं यहाँ पर इस रेडस्टोन ब्लॉक को प्लेस करूंगा। अगर एंड तक के पिस्टन काम करते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पूरे में रिपीट करना है। 3, 2, 1। यस, सभी एक एक ब्लॉक खिसकाए। अबे शिट, नहीं, अभी तो ये इतना ही बना और पिस्टन लगाने में जो हालत टाइट हो रही है भाई, इनका डायरेक्शन देख के लगाना पड़ता है एक तो। पर कोई नहीं, अगर PSGI को ट्रैप करना है तो बनाना तो पड़ेगा। ओके गाइस, तो पूरा रेडस्टोन और कोबलस्टोन का काम खत्म हो चुका है। अभी बस एक लास्ट काम बाकी है इस मशीन में, जो कि है ड्रिपस्टोन लगाना। और ये काम एक कोबलस्टोन लगाने से भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। ओके, फाइनली आई थिंक डन। यस, 10,000 ड्रिपस्टोन लगा दिए मैंने भाई, फाइनली। तो अभी बस PSGI को बुलाना है। नहीं, इस मशीन में हर 12 ब्लॉक के बाद एक गैप है। इसका मतलब है कि इतने बड़े रेड जोन में भी कुछ कुछ जगहों पर सेफ जोन है, क्योंकि अगर PSGI उस गैप में खड़े हुए तो PSGI आराम से बच सकते हैं। जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने इतनी बड़ी मशीन बनाई है, उसी सेम कॉन्सेप्ट को मेरे को इस ब्रीच लाइन में भी फॉलो करना पड़ेगा। अभी आई थिंक सब कुछ डन है और अभी बारी है PSGI को बुलाने की। इस वाले बटन को मेरे को यहाँ पर लगा के दबाना है, ठीक है? तो अभी मैंने PSGI को बुलाया है, उनसे कॉल पे चलते हैं पहले। हेलो PSGI। हेलो भाई, वो स्पॉन पे बुलाया था मैंने, आ जाओ यार। क्यों भाई? छोटा सा वॉइस ओवर चाहिए। तो यही से ले लो ना वॉइस ओवर। वॉइस ओवर मतलब ऐसा गेम में रहते हुए चाहिए। स्पॉन पे हूं मैं तो। स्पॉन पर वहाँ पर वहाँ खड़ा हूँ मैं, वो बहुत सारी फर्नेस है ना, ब्रिज जो बना एक नया सा, वहीं पे लेमन के पास खड़ा हूं मैं। मेलन यहाँ पे तो नहीं है। क्या लैपिस भाई, कुछ जमा नहीं शायद आपको? हैं भाई, आपको पता कैसे लगा कि ऊपर से कुछ आ रहा है? वो व्हाट द हेक। अरे क्या बताऊं यार, मेरा RTX 5090 लैग होने लग गया था। मेरे इतने टाइम की मेहनत सिर्फ एक ब्लॉक ने खराब कर दी थी। और सच बताऊं तो इतनी मेहनत करके मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि मैंने 10,000 ड्रिपस्टोन लगाए और वो जब नीचे गिरेंगे तो ऑब्वियसली बात है गेम लैग होगा। और जैसे ही PSGI का गेम लैग हुआ, उन्होंने देखा चारों तरफ और उनको ड्रिपस्टोन दिख गए। और इसी तरह हमारा ये मास्टर प्लान भी फेल हो गया। इस फेल अटेम्प्ट के बाद मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इसे लाइक करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हो, ताकि हम लोग PSGI को जल्दी से ट्रैप कर पाए। पर अभी हमारा मास्टर प्लान फेल हुआ है ना, अभी हमारा सुपर मास्टर प्लान बाकी है गाइस। बट देखो, उस सुपर मास्टर प्लान को काम करने के लिए मेरे को जरूरत है 16 के 16 आर्मर ट्रिम्स की। और तुमको तो पता होगा कि माइनक्राफ्ट में ट्रिम्स ढूंढना कितना हार्ड है। तो पहले हम यही काम कर रहे थे, बाकी आगे का प्लान मैं आपको बाद को बताता हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेदर से, क्योंकि नेदर में 2 आर्मर ट्रिम मिलेंगी, एक फोर्ट्रेस में और एक बेसिन में। ओके, एटलीस्ट अब ये फोर्ट्रेस लूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लूटा हुआ तो नहीं है क्योंकि डायमंड्स है भाई। इस फोर्ट्रेस में इस एक चेस्ट के अलावा कुछ है भी कि नहीं? इस फोर्ट्रेस में तो चेस्ट ही नहीं है भाई, कैसे फोर्ट्रेस है? ओके, चेस्ट।
उसमें जाके मुझे फाइनली ट्रिम मिल चुका है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलो भाई फोर्ट्रेस का काम हो चुका है खत्म। चेस्ट में क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन है, तो कुछ भी नहीं है भाई। इस वैसे में चेस्ट तो बड़ी कम है यार। ओके बाय 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 पिगलिन भाई आने। और वो यार है ऊपर से। अरे नहीं सेट भाई, भाई समझा। एक सेकंड चल भाई, तुम्हारा नीचे जाने का टाइम आ गया। इसमें भी नहीं है भाई, इसमें भी सिर्फ एक इंगट है। ओके अपना तीसरा बेसिन। नहीं ये मिला क्या? एक सेकंड, तीसरे बेसिन में मिल गया क्या? चलो फिर अभी नेदर से निकलते हैं। ब्रो ये प्लेजर आउटपोस्ट वाला रेयर नहीं होता है क्या? पहले आउटपोस्ट में मिल गया। इसके अंदर क्या है भाई? यार एक तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये भाई, पानी के अंदर वाली चीजें लोड ही नहीं होती जल्दी से। ओके हुआ कुछ तो, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बताओ भाई क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। अरे भाई इधर तो ओशन मोनुमेंट है भाई, वो किधर है? एल्डर गार्डियन उनको मार के मिलेगी मेरे को। मेरे को दे ट्रिम दे। नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया क्या भाई? मरा ट्रिम दे। ये मिला। ओके टाइट ट्रिम मिल चुका है अपने को। उसके बाद मुझे सिप्रेक वाला आर्मर ट्रिम भी इजीली मिल जाता है। फिर मैं पहुंचता हूँ वुडलैंड मेंशन, और पहले ही वुडलैंड मेंशन में मेरे को मिल जाती है वैक्स आर्मर ट्रिम। फिर मेरे को जाना होता है एंड में, और वहां जाने के लिए हमको जाना पड़ता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, और उधर हम लोगों को मिलती है ट्रिम आई आर्मर ट्रिम, जिसके मिलने के चांस लाइब्रेरी में 100% है। बट अभी बारी आती है एंड सिटी के आर्मर ट्रिम की। इस एंड सिटी की तो इज्जत लूटी है भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अबे शिट भाई उड़ा दिया यार। अबे भाई एमरल्ड के अलावा कुछ है ही नहीं भाई। कुछ तो मिल भाई, एक एंड सिटी बोरी और दूसरी एंड सिटी बोरी, और ट्रिम दोनों में ही नहीं है। व्हाट द हेक, फिर से दो एंड सिटी एक साथ। इसमें दोनों नहीं है। ये मिल गई ये फाइनली भाई, कितने टाइम के बाद मुझे ये वाला ट्रिम मिला है। चलो अपना एंड से भी काम खत्म हो चुका है, अब बारी है हार्डेस्ट ट्रिम को ढूंढने की, जो कि है साइलेंस ट्रिम। ओके अपनी फर्स्ट एंशिएंट सिटी, और सामने हमको चेस्ट दिख रही है, और चेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर भी कुछ नहीं है। ओ स्विफ्ट स्नेक है क्या? एंशिएंट सिटी का बीच में रह के लगाएंगे भाई स्विफ्ट स्नेक। ओके देखो मेरे पास टोटम नहीं है, अगर वो मेरे को एन्चेंटेड एप्पल मिले, पर देखो भाई टोटम वोटम नहीं है, मर गया खत्म हो जाऊंगा मैं। ये मिली क्या? अच्छा गॉड आर्मर ट्रिम भी तो सही होती है, वो भी तो इसी से मिलती है। मैं खुश हो गया था भाई, जल्दी मिल गई मेरे को साइलेंस आर्मर ट्रिम। मिल गया फाइनली भाई, डन 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 डन। और इसी तरीके से मैं बाकी के बचे हुए 5 ट्रिम्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और अभी बारी है अपने प्लान को बताने की। तो फिर गाइस आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया, क्यों बुलाया भाई? तो अभी आप लोग भी सोच रहे हो कि मैंने इन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया, मैं तो अपना प्लान बता रहा था। तो मेरा प्लान ऐसा है कि मेरे को करना है पीएसजीआई को ट्रैप, और अगर इस बार मैं पीएसजीआई को ट्रैप करने में फेल होता हूँ तो फिर ये खुद को दिया हुआ चैलेंज मैं खुद से ही हार जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मेरे पास पीएसजीआई को ट्रैप करने के लिए एक भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं एक ऐसा ट्रैप चूज करता हूँ जहाँ पर मैंने पहले भी डेड डेस्ट प्लेयर को मारा हुआ है, और वहाँ जाने के बाद बंदा क्रिएटिव में भी मर जाता है, पीएसडीआई तो फिर भी सर्वाइवल में। मैं बात कर रहा हूँ वॉइड की। मैंने बनाया लापता एसएमपी के स्पॉन के नीचे एक पार्कोर, वो पार्कोर सभी एसएमपी मेंबर्स के लिए नॉर्मल पार्कोर है, बट पीएसडीआई के लिए नहीं। तो देखो पार्कोर का ये सेकंड लास्ट स्टेज है ना, आप लोग देखोगे यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, है ना। बट अगर यहाँ पर दिए हुए कुछ लीवर के साथ अगर मैं खेलता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस, ये देखो। यस यहाँ पर एक वॉइड ट्रैप प्रकट हो जाएगा पूरा, एंड वापस जाकर मैं इसको पूरे को नॉर्मल भी कर सकता हूँ। एंड अभी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को वहाँ पर कोई ट्रैप नहीं दिखेगा, एकदम सब कुछ नॉर्मल। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये ट्रैप सिर्फ पीएसडीआई के लिए है, क्योंकि अगर मैंने पूरे एसएमपी को ट्रैप किया तो उसके बाद मेरा क्या हाल होगा आप लोग सोच ही सकते हो। अभी चलते हैं अपने प्लान की तरफ। तो आप लोग सामने देख पा रहे होंगे एक पार्कोर बना हुआ है, तो बड़ा ही सिंपल सा पार्कोर है, जो इसे पार करेगा उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उसको मिलेंगे लापता एसएमपी में 16 के 16 आर्मर ट्रिम्स, क्योंकि देखो लापता एसएमपी में सिर्फ चट्टियां के पास आर्मर ट्रिम्स है और किसी के पास भी नहीं है। तो आप लोग जीत सकते हो 16 के 16 आर्मर ट्रिम, वो भी एक सिंपल सा पार्कोर क्रॉस करके। पर गाइस मैंने इतना मेहनत की है तो मुझे भी कुछ दे दो। तो मैं ऐसा कोई फीस नहीं रखा, जिसके पास जो भी है अपने आप दान देकर चले जाओ, फिर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो। यहाँ पे दिल टूटा हुआ नहीं आता क्या भाई? ठीक है नेदर आईटी दे दिया भाई, आप समझ जाओगे लेपिस भाई, इस बार आप समझ जाओगे। सिंपल सा पार्कोर है, जो जो इसे क्रॉस करके एंड में जो पहुंचेगा, तो वहाँ पर मेरा एक कुत्ता रखा हुआ है जिसका नाम कुछ भी तो है, तो जो उसे मारेगा, जिसका मारते हुए नाम आएगा वो जीत जाएगा 16 का 16 आर्मर ट्रिम्स। 3, 2, 1 स्टार्ट। सामने ठीक है, ओके कोई तो बताओ क्या सेनपाई सबसे पहले क्रॉस करते हुए, ओ ये क्या कर रहे हो गेम में? हेलो केप्स, हेलो
अरे क्या किया मैंने, पहुंच गया भाइयों। सभी लोग धीमे धीमे करके पार्कोर को क्रॉस करते जा रहे थे और अभी वो टाइम आ चुका था जिसका हम सबको इंतजार था। ओके भाई, पीएस जो है सेकंड नंबर पर है और सेनपाई जा चुका है सबसे आगे। भाई पता नहीं कहां तक पहुंच गया, मैं बहुत आगे हूं भाई। ओके सब लोग अभी सेकंड नंबर पर है भाई। यस भाई यस, जाओ भाई। किसने गिरा दिया रास्ता? कौन गिरा रहा है? जो रोनी भाई आपके इवेंट में पूरी लापता एसएमपी आई लेकिन एक बंदा नहीं आया, डीओपी। डीओपी जो कि चड्डी गैंग का एक मेंबर है जो कि पीएसडीवाई का स्टेटस चेंबर संभाल रहा था, क्योंकि पीएसडीवाई को पहले से पता था कि यहाँ पे ट्रैप है। आई डोंट नो, बट मेरे को जितना लगता है कि उनको सख्त तो जरूर था कि यहाँ पे कोई ट्रैप होगा, इसलिए वो स्टेटस चेंबर पहले ही सेट करके आए थे। मैंने पता नहीं यहाँ पे पीएसडीवाई को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर दिया कि वो मेरे इवेंट पे आएंगे, वो भी बिना किसी प्रिपरेशन के। क्या यार, मैं खुद से ही अपना चैलेंज हार गया। तो पीएसडीवाई, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया, आपने भी देखा होगा कि मैंने आपको पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत बार ट्रैप करने की कोशिश की है और आपने हर एक ट्रैप को बहुत ही होशियारी से एस्केप कर लिया, और अभी मेरे पास आपको ट्रैप करने के लिए एक भी ट्रैप नहीं है। मतलब मैं नहीं कर सकता आपको ट्रैप। क्या कर रहे भाई? हेलो, क्या हाल है हाफिज भाई? यही हरकत बची थी आखिरी आपकी, बस यही करना बचा था। कितने अपने ट्रैप्स ट्राई किए मेरे पे लैपिस भाई, और फिर भी ये फालतू ये करना बचा ही था। आपको समझ नहीं ना कि नहीं कर सकते आप मेरे को ट्रैप, नहीं है आपके बस की वो बात। लैपिस भाई कब समझोगे आप? आप नहीं समझोगे पीएसडी भाई। वो!